ईडी का एक समन और झारखंड में मच गया शोर। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक खलबली मच गई है। मनरेगा के सहारे अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में आरोप प्रत्यारोप के बाण चल रहे हैं। एक तरफ विपक्ष ट्रिपल पी के बहाने मुख्यमंत्री को घेरने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ सरयू राय ने ट्रिपल आर की चर्चा कर रघुवर दास को भी लपेटे में ले लिया है। आज की ये मौजूदा स्थिति है। वैसे ईडी की एंट्री ने तो झारखंड में पहले से ही सियासी तापमान बढ़ा दिया था। झारखंड में सरकार गठन के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए गठबंधन का मजबूत वट वृक्ष तैयार किया था। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, सत्ता के गलियारों में दलाली के लिए मशहूर प्रेम प्रकाश, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी ने उस वट वृक्ष को हिलाना शुरू किया। ईडी की कार्रवाई से वो वट वृक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। ज्यों ज्यों ईडी अवैध खनन के तह में जाने लगी, सत्ता के करीब रहे पांच प्यादे पूजा सिंघल, सुमन कुमार, प्रेम प्रकाश, पीके मिश्रा और अमित अग्रवाल से पूछताछ में हर दिन नए राज खुलने लगे। एक तरफ जहां सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत मिले, वहीं प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल के कारनामों से संबंधित चौंकाऊ जानकारी से ईडी को नया बल मिला। अव्वल तो पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार की गाथा अकेले ही सत्ता पक्ष की कब्र खोदने को काफी थी। इसी बीच झामुमो के कोषाध्यक्ष रहे रवि केजरीवाल के बयान ने ईडी को एक मजबूत आधार दे दिया। उन्होंने ईडी को कई अहम जानकारियां उपलब्ध करा दी। पांच प्यादे और रवि केजरीवाल के बयान ने ही ईडी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी करने का पुख्ता आधार दे दिया। उसी आधार पर हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। उसने मुख्यमंत्री को कल यानी 3 नवंबर को 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच हेमंत सोरेन का 15 नवंबर तक का जो कार्यक्रम घोषित हुआ है, उससे लगता है कि पहले से कार्यक्रम का शेड्यूल फिक्स होने के कारण हेमंत सोरेन शायद ही उपस्थित हों, क्योंकि 3 नवंबर को वो रायपुर में रहेंगे। ऐसा सरकार के शेड्यूल से लग रहा है। फिलहाल समन के बाद झारखंड की राजनीतिक फिजाओं में बयानों के तीर चलने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही झारखंड के राज्यपाल ने भी झारखंड में एटम बॉम्ब फूटने के संकेत दिए थे। उन्होंने इशारा कर दिया था कि उनके पास पड़े लिफाफे में से कभी भी छिपा हुआ राज बाहर आ सकता है। मुख्यमंत्री भी उस राज के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि वे डरने वाले नहीं हैं, हर परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। ईडी के समन के बाद झारखंड की राजनीतिक फिजाओं में क्या कुछ तैर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तर्कश से कैसे कैसे तीर निकल रहे हैं, इसे बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। पहले ईडी के समन की बात। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर दिया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को 3 नवम्बर को 11:30 बजे दिन में रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। 3 तारीख की पूछताछ से पहले 2 नवंबर की शाम को, मतलब आज, महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई। जेएमएम, कांग्रेस और राजद विधायकों को तत्काल रांची पहुंचने का आदेश दिया गया। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का सामना करने के लिए रणनीतियां बनाई गई। इधर मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने झारखंड पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र लिख दिया। इसमें 3 नवंबर को ईडी कार्यालय में सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। समन जारी करने का आधार क्या है? मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी करने का मुख्य कारण उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा द्वारा अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के अलावा अन्य कई मामले हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को खान विभाग में पदस्थापित करने के कारणों के अलावा प्रेम प्रकाश के घर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए तैनात
जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियों का मिलना शामिल है। सबसे बड़ा आधार जो माना जा रहा है वो है झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल का ईडी को दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की सत्ता तक पहुंच के बारे में बताया है। मैं ईडी से घबराता नहीं हूं, हेमंत सोरेन। ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो ईडी से डरते नहीं हैं। उन्होंने इससे पहले भी बार बार ये आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। इधर मुख्यमंत्री कार्यालय ने 15 नवंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 नवंबर को रायपुर में होंगे, 2 नवंबर को मुख्यमंत्री साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विरोधियों पर जमकर बरसे। मंच से मुख्यमंत्री ने ईडी का जिक्र करते हुए कहा, विपक्ष के अनुरोध पर ईडी की जांच चल रही है, हमें भी बुलाया गया है, हम इससे घबराते नहीं हैं। समन भेजकर हमें ये बताया गया कि देखो ईडी कितनी पावरफुल है, सोनिया गांधी राहुल गांधी को बुला सकते हैं तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, इससे हमारी पहचान और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर उनके ये करने से हो गया तब तो कहानी खत्म। विरोधियों की तरफ इशारा करते हुए सीएम ने कहा, विपक्षी राजनीतिक रूप से नहीं सके तो इस तरह प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल एटम बम का लिफाफा लेकर घूमते हैं, बम तो नहीं फोड़ते लेकिन मुंह से बोलते हैं, सड़क से सदन तक जवाब देने के लिए तैयार सुप्रियो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन भेजने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा और राज्यपाल पर भी हमला बोला है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2019 में जो जनादेश मिला था उस जनादेश का इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। विपक्ष साजिश के तहत हेमंत सरकार को अस्थिर करने में लगा है। माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग के भेजे मंतव्य को पहले तो राज्यपाल 3 माह तक सार्वजनिक नहीं करते, फिर कहते हैं कि वो आयोग से सेकंड ओपिनियन मांग रहे हैं। साफ है कि आयोग स्वायत्त नहीं रह गया है, अगर रहता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। सुप्रियो ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ताओं में इससे जबरदस्त आक्रोश है, जिन्होंने भी साजिश रची है वे बहुत जल्द झामुमो के उसी तेवर को देखेंगे जो 4 दशक झारखंड आंदोलन को लेकर तक देखने को मिला था। कार्यकर्ता अब सड़क से सदन तक नजर आएंगे, हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम बताएंगे कि उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया है। मीडिया कर्मियों ने जब सुप्रियो से पूछा कि पंकज मिश्रा दाहू यादव प्रेम प्रकाश के साथ क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई संबंध है, इस पर सुप्रियो ने कहा कि पंकज मिश्रा को छोड़कर हम किसी को नहीं जानते। जब उनसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं, इस पर सुप्रियो ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का नहीं अपने कार्यकारी अध्यक्ष और सरकार को डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव में जनादेश झामुमो को मिला है। सुप्रियो ने सवाल किया कि मनरेगा घोटाले की CBI जांच को आखिर ईडी ने अपने हाथ में क्यों लिया, क्यों ये जांच माइनिंग लीज तक पहुंच गई। मतलब साफ है कि पूरी स्क्रिप्ट सुनियोजित तरीके से लिखी गई। आज जब अपनी साजिश में विपक्ष फेल हो गया तो ईडी को मोहरा बनाया गया। आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी चेहरे को चुना और बलि लेने का मन बनाया गया तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को। राज्यपाल पर निशाना साधते हुए सुप्रियो ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के मंतव्य को सार्वजनिक तो नहीं किया, हाँ रांची से दूर और नागपुर के पास रायपुर में जाकर बोलते हैं कि वो चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। सभी जानते हैं कि सेकंड ओपिनियन किसके इशारे पर लिया गया है। नेशनल मीडिया में एक नैरेटिव सेट किया गया कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है या उन्हें डीबार किया जा सकता है। देखा जाए तो सेकंड ओपिनियन इसी के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से लोगों में आक्रोश है, हम लोग लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं, सड़क से सदन तक जवाब देने के लिए तैयार हैं। जनादेश का मतलब लूट का लाइसेंस नहीं, बाबूलाल मरांडी। सीएम के समन को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर ईडी ने बुलाया है तो वो यूं ही नहीं है,
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने राज्य को गुंडे मवालियों को सौंप दिया है और खुद संपत्ति बनाने में लगे रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत जी शायद ये भूल गए हैं कि जनादेश का मतलब लूट का लाइसेंस नहीं होता, वोट से लूट के पाप को कवर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आपने लूटा है तो सजा भुगतने को भी तैयार रहिए, देश का कानून अपना काम कर रहा है, आप बेकसूर होंगे तो बेदाग निकल जाइएगा, वैसे पब्लिक सब देख समझ रही है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार व्यवसायी अमित अग्रवाल की एक तस्वीर शेयर करके भी सवाल उठाए हैं। सच कभी छिपता नहीं, रघुवर दास। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार पर कटाक्ष किया है, कहा है कि जल जंगल जमीन के नाम पर सत्ता पाने वाली हेमंत सरकार ने इनका ही सौदा करना शुरू कर दिया। हेमंत राज में प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है। जब भी हेमंत सरकार सत्ता में आई है, अखबार बालू पत्थर की लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में वसूली जैसी खबरों से भरे रहते हैं। रघुवर ने कहा कि सच कभी छिपता नहीं है। फरवरी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन मुद्दों को पुख्ता सबूत के साथ सामने रखा था, अब जांच में भी सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। आज राज्य की परिस्थिति के लिए हेमंत सोरेन जिम्मेवार हैं। सबूत मिलने के बाद भी अपने विधायक प्रतिनिधि को नहीं हटाने वाले हेमंत से इस्तीफे की उम्मीद बेमानी है। हेमंत सरकार से ज्यादा रघुवर राज में हुआ भ्रष्टाचार, ईडी रघुवर से भी पूछे सरयू राय। इधर अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी से समन भेजे जाने के बाद विधायक सरयू राय ने एक बार फिर पूर्व सीएम रघुवर दास से भी पूछताछ करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार से ज्यादा रघुवर सरकार के समय में भ्रष्टाचार हुआ था। ईडी ने झारखंड के भ्रष्टाचार के मामले में 2 चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। दोनों चार्जशीट बताती हैं कि भ्रष्टाचार और अवैध कमाई 2020 से 2022 से ज्यादा 2015 से 2019 के बीच हुई, उस समय रघुवर दास की सरकार थी। सरयू राय ने कहा कि पूजा सिंघल मामले में तो पूरी काली कमाई 2013 से 19 के बीच हुई है, जबकि पंकज मिश्रा मामले में 35 से बिना चालान रेलवे रैक से 2/3 काली कमाई 2015 से 19 के बीच हुई है। ईडी 3R रघुवर रौचबाला और राकेश चौधरी से पूछताछ भी करे। उन्होंने भाजपा से भी इस पर संज्ञान लेकर भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रवि केजरीवाल का बयान बना आधार। कभी सोरेन परिवार के करीबी रहे रवि केजरीवाल का ईडी ने बीते 21 जुलाई को बयान लिया था। रवि केजरीवाल ने बयान में कहा था कि एक दिन वो सीएमओ में मौजूद थे जब पंकज मिश्रा को पत्थर खनन और रेत खनन व्यवसाय से संथाल परगना से आने वाले रुपए को सीधे प्रेम प्रकाश को सौंपने का निर्देश दिया गया था। आगे ये भी कहा गया था कि प्रेम प्रकाश अमित अग्रवाल को रुपया सौंपेंगे। रवि केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रेम प्रकाश हेमंत सोरेन और अमित अग्रवाल के काफी करीबी हैं। पूजा सिंघल को अमित अग्रवाल से नजदीकी के कारण खनन सचिव झारखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जांच में ईडी को रुपए के लेन देन से संबंधित कई अहम जानकारी मिली है। ईडी आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन से पूरी तरह वाकिफ थे और उन्हें इससे आय प्राप्त हुए थे। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार आरोपियों और रवि केजरीवाल के बयान ही हेमंत सोरेन को समन भेजने के लिए ईडी को आधार दिया है। आगे देखना यह है कि इस जांच का क्या फलाफल निकलता है और झारखंड का राजनीतिक भूचाल किस छोर पर पहुंचकर विराम पाता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।